तो लास्ट क्लास के अंदर जो पॉइंट था, आप सभी के पास रजिस्टर भी है और रजिस्टर भी ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन किया था, होमवर्क की बात नहीं कर रहा मैं, जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन दिया था, हर एक के बुक में अलग अलग इलस्ट्रेशन है, इसलिए मैं इलस्ट्रेशन का नाम नहीं लूँगा, बस इतना बता देते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर जो आपने किया था वो, उसके अंदर दो पार्टीशन में क्वेश्चन था, आपको पता होगा। बाकी तो सारे क्वेश्चन हमारे दो पार्टीशन में ही हो रहे हैं। क्या क्या था हमारा? एक था स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग चार्ज जिसका टोटल आपका आया था 3000 रुपये। हर बच्चे को क्वेश्चन क्लियर है मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? क्लियर है? जिसका स्टैंडिंग चार्ज आया था 3000। रनिंग चार्ज में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी था उसके अंदर मेन पॉइंट था जो कि हमारा चेंज होने वाला है, इसलिए मैं सिर्फ उसी के ऊपर बात करूँगा। तो स्टैंडिंग चार्ज पहले लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन दिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूट द इंफॉर्मेशन गिवन लास्ट इलस्ट्रेशन, जो भी आपका लास्ट इलस्ट्रेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जो भी लास्ट इलस्ट्रेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कहता है। अब मैं एक बात बता दूं, जो लास्ट वाला इलस्ट्रेशन था इसमें क्या कहता था? पावर के बारे में कुछ बोला था, और पावर के बारे में कहता है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टोटल ईयर में, ध्यान देना, टोटल ईयर में जो रहेगा ना वो रहेगा 2200 घंटे का काम, और इस 2200 घंटे के अंदर 200 घंटे सेटअप है, सेटअप टाइम है, और 100 आवर्स जो है वो मेंटेनेंस टाइम है। तो सर मेंटेनेंस और सेटअप टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला गया था कि आपका सेटअप टाइम एस्टिमेटेड 100 आवर प्रोडक्टिव आवर मानना है, और इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय मशीन आपको 9 रुपये पर, मैं हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और इन दोनों में, यानी यहाँ पे जो था इसमें भी 9 इलेक्ट्रिसिटी यूज बताया इसने था, और इसमें भी 9 इलेक्ट्रिसिटी यूज था, आपको याद हो तो क्वेश्चन में, ठीक है ना? दोनों पॉइंट्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुआ था, यही था। पहले यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है क्या? लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन लिखा है ना बोर्ड पे। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, कहता है पिछले वाले क्वेश्चन को ही मान लो और सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी में वेरिएंस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप एक बार टेस्ट करो खुद को कि तुम्हें समझ में इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट आया या नहीं आया। तो मैं पूरा क्वेश्चन करने की बजाय मैं सिर्फ कौन सा वाला पॉइंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी वाला, और साथ के साथ प्रोडक्टिव आवर भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो अगला इलस्ट्रेशन है उससे पता है आपको क्या सिखाया जाएगा कि प्रोडक्टिव आवर निकाल पाओ आप, और आप निकाल पाओ क्या इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया? चलिए पॉइंट नंबर 1, हमारे पास, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, केस नंबर 1, हमारे पास टोटल आवर क्या है? टोटल आवर तो बढ़ेंगे नहीं, वो तो 2200 घंटे ही रहेगा, है ना? और इसके अंदर ड्यूरेशन में क्या कहता है? एक सेकंड, किसका? तो ध्यान देना, 2200 घंटे केस नंबर 1 कर रहा हूँ, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूँगा धीरे धीरे, जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक आपका चैप्टर ये वाला ख़त्म तो नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरहेड थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो मैं सबसे पहला वाले पॉइंट पर आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला कि आगे करेंगे, ठीक है ना? कहता है इफ़ सेटअप टाइम इज टेकन प्रोडक्टिव। अब यहाँ पर सेटअप टाइम क्या है ये भी लिख देते हैं। चलो सेटअप टाइम कितने आवर है?
बताइए 200। सेटअप टाइम जो है वो 200 आवर्स और सेटिंग अप टाइम, सेटिंग नहीं मेंटेनेंस टाइम, मेंटेनेंस के लिए जो टाइम है। अच्छा ये था, यहां गलत लिख दिया फिर हमने, यहां 100 है 200 पक्का ना, ये 100 है और ये 200 है। ठीक है एक बार मैं भी क्रॉस वेरीफाई कर लूं, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं। कहता है हमारा एस्टिमेटेड टेकअप मेंटेनेंस में 200 आवर, लॉस एक्सपेक्टेड सेटअप अप टाइम 100 आवर्स। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन कहता है कि जी सेटअप टाइम टेकन एज अ प्रोटेक्टिव एंड करंट इज टेकन ड्यूरिंग द सेटअप टाइम। क्वेश्चन में कहता है जो भी सेटअप टाइम है उसको मानिए आप प्रोडक्टिव, ठीक है, और मेंटेनेंस टाइम तो आपको पता ही है अनप्रोडक्टिव होता है। लेकिन कहता है कि सेटअप टाइम के अंदर जो था आपका यहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, देखो फिर से लाइन पढ़ देता हूं। कहता है सेटअप टाइम इज टेकन एज अ प्रोडक्टिव और एंड द करंट इज टेकन ड्यूरिंग द सेटअप टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, एंड करंट इज टेकन ड्यूरिंग द सेटअप टाइम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। पिछले वाले जो पॉइंट्स थे ना उसके अंदर क्या कहता था, यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा और ना ही इस वाले में इलेक्ट्रिसिटी यूज है। लास्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो हमारा क्वेश्चन फाइंड करना दो ही पार्ट है इसके अंदर मेजरली, जो आपको सिखाने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बना रखा है। नंबर वन आपको ढूंढना है प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम। तो सर प्रोडक्टिव टाइम क्या होगा, प्रोडक्टिव टाइम टोटल 2200 और ये प्रोडक्टिव है, माइनस तो होगा नहीं, और मेंटेनेंस का हम क्या मानते हैं अनप्रोडक्टिव। तो यानी प्रोडक्टिव टाइम देखा जाए तो सिर्फ 200 माइनस होगा, अगेन क्या रहने वाला है 200। पहले बताइए आप प्रोडक्टिव टाइम कितने का बोला इसने, ये प्रोडक्टिव बोला अनप्रोडक्टिव बोला है, सेटअप टाइम टेकन एज अ प्रोडक्टिव टाइम सेट हमें लेना है और करंट नॉट टेकन। और जो हमारा मेंटेनेंस है आपको मेंटेनेंस वाले पिछले वाले जो क्वेश्चन में दे रखा था वहीं से टेकन करना है कि जी मेंटेनेंस को वहां क्लियरली बोल दिया था इसने कि मशीन मेंटेन एस्टिमेटेड 200 आवर नो अदर लॉसेस वर्किंग एक्सपेक्टिव सेटअप टाइम 100 आवर रिगार्ड एज अ प्रोडक्टिव। पहले भी प्रोडक्टिव था अब भी प्रोडक्टिव है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई समस्या। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर पूरा हमें करना है, तो सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं इसके लिए, इधर बना लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करके करेंगे, एक एक करके नोट करते जाना कर लेंगे। हमारे दो चार्जेस होते हैं, एक होते हैं स्टैंडिंग चार्ज और एक था हमारा रनिंग चार्ज। मैंने आप सभी को बताया था कि स्टैंडिंग चार्ज को आप अमाउंट के टर्म्स में लेना और रनिंग चार्ज को आवरली टर्म्स में लेना। इसका खर्चा तो हमारा क्या था टोटल 3000 रुपये का, पिछला ही है कोई चेंजेस आएगा नहीं। बाकी इसके अंदर भी जो खर्चे थे ना, पिछले खर्चे बताओ क्या क्या था हमारे पास, पिछले वाले खर्चे में था हमारे पास क्या क्या, एक था पावर हमारे पास, रिपेयर, पहले बताते जाओ पावर रिपेयर डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस, ये था। मैं एक काम कर लेता हूँ इन तीनों को भी इकट्ठा जोड़ लेते हैं क्योंकि मेजर डिफरेंस तो पावर में आता है, इन तीनों को जोड़ क्या बन रहा है बताओ, रिपेयर डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस, क्योंकि हर जगह सेम ही रहेगा ये, कितने बन रहा है जोड़ बताओ, लास्ट क्लास में देखा तो करवाए तो है, नहीं पता चल रहा, नहीं नहीं पॉइंट में नहीं, मुझे आप टोटल बता दो ताकि मैं डिवाइड कर पाऊं हर जगह, आप टोटल बता दीजिए मुझे देख के भाई, बता दो जोड़ के,
पॉइंट में नहीं, मुझे टोटल अमाउंट बता दो, रिपेयर का क्या अमाउंट था? अच्छा ये बताओ, 1200 रुपये, ऐसे बताओ। डेप्रिसिएशन का 500, 9000, 9900, 900, और मेंटेनेंस का 1200, दोनों 1200। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं इतनी देर से, भाई क्या बता रहे हो आप सब, घर पे लगता है आपने सेल्फ प्रैक्टिस नहीं किया इस क्वेश्चन का। रिपेयर 1000 है, ठीक है अब टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2200 और 900, 3100, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सिंपली करने के लिए, आप इसको मुश्किल ना बनाएं, इसके अंदर मैंने टोटल खर्चा ले लिया, ये खर्चा तो कहीं चेंज ही नहीं होगा, ये खर्चा हर बार चेंज हो जाएगा पावर का, क्योंकि पावर में कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, ये वाला खर्चा तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, समझो बात को। ये तो भाई डेप्रिसिएशन, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो, प्रोडक्टिव हो अनप्रोडक्टिव हो, ये हाँ डिवाइड करने का सिनेरियो चेंज हो जाएगा टोटल का। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर पहले वाले केस में हम कितना निकाल के बैठे हैं, 2000, तो इसको डिवाइड किससे करना होगा, इसको डिवाइड किससे करना होगा। अब पावर की बात कर लेते हैं, पहले यहाँ तक समझ में आई बात आपको, देख लो हाँ या ना, ठीक है। अब पावर की बात करते हैं, पावर के लिए अगर हम यहाँ पे आवर निकालें, तो सर पावर के लिए जो आवर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, और मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, क्वेश्चन में नहीं बोला तो अजम्पशन ले लो, नहीं हो रहा होगा मेंटेनेंस में, अजम्पशन इसके लिए नोट स्पेशली देना होगा। तो हमारे पास 2200 घंटे थे, जिसमें से 200 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहा, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कितने घंटे हैं, 2000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर का रेट क्या था बता सकते हो देख के, पावर का रेट क्या था जी, 0.09 मल्टीप्लाई 2000, पूरा बताया या एक बता दिया आपने, ये मुझे भी लग रहा है आप ये गड़बड़ तो नहीं बता रहे। मैं यहाँ लिख देता हूँ पावर, ये है जी हमारा पावर, मैं ही लिख देता हूँ कितना था, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.09, ये यहाँ तक का था एक घंटे का, ये हमें कितने घंटे, एक घंटे का है, कितने घंटे का निकालना है मल्टीप्लाई बाय, और हमारा डिवाइड भी किससे होगा, क्योंकि हर एक किसी को प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना तो कंपलसरी है, चाहे कोई भी कंपोनेंट्स हो, आप खर्चा निकालिए और डिवाइड किससे करिए, प्रोडक्टिव आवर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका रेट क्या आया था, 1. अब इसका रेट बताइए, 3100 डिवाइडेड बाय 2000, अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे, 1. और इसका कर लीजिए आप 16.09, 1.44, ये टोटल आ गया मशीन आवर रेट। तो सर इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में देखोगे 4, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में देखोगे पावर का पर आवर अलग पॉइंट था, पिछले में चेक करिए आपके पास रजिस्टर है, नोट भी किया है, क्यों अलग था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी 1900 घंटे में यूज हो रहे थे, तो इसलिए वहां मल्टीप्लाई किससे करा था हमने, और वहां पे भी प्रोडक्टिव आवर 2000 घंटे ही थे, तो वहां भी 2000 से डिवाइड किया था, और यहां भी प्रोडक्टिव आवर 2000 घंटे हैं, तो मैंने यहां भी डिवाइड किससे किया, समझ में आई बात आपको। केस नंबर 1 मैंने कर दिया डन रफली, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। अब मैं इसके बाद केस नंबर 2 करूंगा, मैं इधर कर दूं केस नंबर 2, ये तो आइडिया मिलेगा टेंटेटिवली, केस नंबर 2 इधर कर लेते हैं, ये तो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको रिमाइंड कराया है। केस नंबर 2, सर केस नंबर 2 में क्या करेंगे, अगेन वही रहेगा हमारा सिनेरियो, एक आएगा स्टैंडिंग चार्ज, भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या मैं ही करे जा रहा हूं यहां पे, टोटल खर्चा क्या था,
3000। अब डिवाइड प्रोडक्टिव आवर से, लेकिन प्रोडक्टिव आवर केस नंबर 2 से क्या निकलेगा वो देखना पड़ेगा। रनिंग चार्ज, रनिंग चार्ज में हमारा जो एक्सपेंस था, मैं इसको एक्सपेंस के नाम से दे रहा हूँ इन तीनों को, ठीक है, 3100। और एक क्या है हमारे पास, पावर। समझ गए मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्लियर है। अब देखते हैं केस में क्या कहता है। कहता है जी सेटअप टाइम इज टेकन अनप्रोडक्टिव। कहता है सेटअप टाइम जो है उसे अनप्रोडक्टिव मान लीजिए, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुआ। समझ में आई बात आपको, सेटअप टाइम क्या मानना है आपने, अनप्रोडक्टिव मानना है। और साथ के साथ कहता है यहाँ पे बट करंट इज टेकन ड्यूरिंग द सेटिंग अप टाइम। करंट मतलब पावर ही, तो दो पॉइंट्स निकालने होते हैं, एक प्रोडक्टिव टाइम एक पावर। इसके लिए मैं प्रोडक्टिव आवर अगर निकालता हूं तो प्रोडक्टिव आवर 2200 घंटे, इसमें से भाई 200 घंटे तो बेकार ही है, मेंटेनेंस वाले हटाओ, और इसको भी बोल दिया नहीं होगा कुछ भी यहाँ पे, यानी कितने हो गए। तो अब इसको डिवाइड किससे करना है, और इसको भी, और जो यहाँ आएगा उसको भी। समझ में आई बात आपको। अब हम इसका तो इजीली कर लेंगे, पावर का एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, पावर के लिए कितने आवर एक्चुअल में लगे। तो कहता है कि इसमें ड्यूरिंग द जो सेटअप टाइम था, सेटअप ही है ना, कहता है सेटअप एंड टाइम में क्या था, करंट टेकन था या नहीं था। कहता है सेटअप टाइम में, तो इसका मतलब आपका पावर के लिए जो आवर होगा ना वो 2200, और सिर्फ 200 घंटे माइनस उसके लिए 2000 काउंट होंगे। तो यहां पे पावर कैसे निकालेंगे, 16 × 0.9 और कितने घंटे, एक मिनट, 16 × 0.09 में कितने घंटे, 2000। देखिए अब करते हैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है, 3000 डिवाइडेड बाय 1900 कितने आ गए, 1.57, ठीक है। 3100 डिवाइडेड बाय 1900 कितने आ गए, 1.63। 16 × 0.09 × 2000 डिवाइडेड बाय 1900 ये आ गया। देखो हर बार की तरफ पावर ही चेंज हो रहा है, बस मेनली देखा जाए तो टोटल कर दो, प्लस 1.63 और प्लस 1.57, ज़्यादा ले लिया, 1.57, 1.63, 1.515, ये आ गया 4.715, ठीक है। समझ में आया, पता चला प्रोडक्टिव आवर का जो इम्पोर्टेंस है, कुछ समझ में आया। यानी सिंपल सी बात है, जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव आवर क्या होगा नहीं होगा डिपेंड करेगा टोटली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर सेटअप टाइम और मेंटेनेंस टाइम दो ऐसे टाइम है जहां पे हमारा प्रोडक्शन हो भी सकता है। मेंटेनेंस में तो आपको ऑलवेज अजम्पशन लेना है, अजम्पशन बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन बोले मेंटेनेंस में प्रोडक्शन हुआ है आप मना नहीं कर सकते उसमें, लेकिन क्वेश्चन में मेंटेनेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अजम्पशन ये लेके चलना है आपने कि उस ड्यूरेशन में प्रोडक्शन नहीं हुआ। सेटअप टाइम में प्रोडक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो आपकी इच्छा है, जो मर्जी माने, नोट जरूर देना होगा आपको उसमें, ठीक है ना, नीचे कि वी अज्यूम दैट सेटअप टाइम टेकन एज अ प्रोडक्टिव आवर या फिर अनप्रोडक्टिव आवर आपको करना होगा। एक बार प्रोडक्टिव आवर निकल गया, डिवाइड करने का काम आ गया। पावर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल पावर निकालना है आपने, खर्चा, ये क्या है पावर का टोटल एक्सपेंस, उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम, प्रोडक्टिव आवर से, क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं एक बार क्या है, थर्ड पॉइंट मैं आपको करने के लिए दूंगा। थर्ड पॉइंट में कहता है इफ सेटअप टाइम इज टेकन एंड प्रोडक्टिव, नो करंट टेकन सेटअप एंड टाइम के टाइम पे। कहता है जी सेटअप टाइम जो है उसको मान लीजिए कौन सा, अनप्रोडक्टिव, और उसमें करंट भी नहीं गया, तो इसका मतलब यहां पे प्रोडक्टिव आवर भी 1900 घंटे आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए भी आवर कितने आने वाले हैं, 1900 घंटे हो जाएगा। थर्ड केस एक बार फटाफट नोट करिए, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें काफी सारे आपके डाउट क्लियर होंगे।